अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की खबर। सोशल वर्कर शेख रिजवान ने आज मीडिया से मुखातिब होते हुए ये सवाल किया है हमारे वज़ीर आला केसीआर साहब से कि शहर में आए दिन बढ़ते हुए कत्लेआम पर वो क्यों खामोश हैं। इन्होंने वज़ीर आला केसीआर साहब से ये गुजारिश की है कि इस मसलों पर तवज्जो दी जाए और गुनहगारों को सज़ा दी जाए। आइए सुनते हैं सोशल वर्कर शेख रिजवान की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख रिजवान, सोशल एक्टिविस्ट। जैसा ही मुझे पता चला है कि एक मर्डर हुआ है, आए दिन देख रहे हैं आप लोग के शहर हैदराबाद में हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगहों पे कत्ल हो रहे हैं। और हमारी हुकूमत तेलंगाना की पुलिस आए दिन देखे जा रहे हैं कि हर जगह कोई ना कोई किसी न किसी को मार दिया जा रहा है। ये छोटा बच्चा है, आप देख सकते हैं कि इनकी माँ भी नहीं है और ये बच्चे के सामने, छोटे बच्चे के सामने बेरहमी से उनके बाप का कत्ल कर दिया गया और इनकी वालदा भी नहीं है और उसके बावजूद ये लोग कैसे जिएंगे, इन्हें कौन इनकी परवरिश करेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि एक माँ बाप का साया औलाद पे नहीं हो तो उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजरती है। इनके तीन दो बहना हैं और उनकी शादी की भी बातचीत चल रही है तो कौन पूछता है। आज के दौर में भाई भाई का नहीं होता, तो इन लोगों का ये कहना है कि हुकूमत तेलंगाना से इन्हें इंसाफ चाहिए और वो मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा दे। जैसे कि हमारे सऊदी अरब में जो भी कत्ल करता है, जिना करता है तो उसकी पनिशमेंट ज़्यादा है, हमारे हिंदुस्तान में ये चीज़ आम हो गई है कि कत्ल कर रहा है, चार दिन के बाद बेल ले रहा है, वापस आ रहा है। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि यहाँ पर सज़ा को सख्त सख्त बनाए ताकि कोई इंसान दूसरा ऐसे जुर्म ना करे। थैंक यू, जय हिंद। कमर पकड़ लो, बेल निकालो, पकड़ लो, उठा लो, अंदर डालो, सीधा सीधा डालो, खींचा भाई। उन्हों क्या है, मिस्त्री काम करते हैं, महीनों दिन हमारे साले साहब हैं और क्या है, उन्हों कर खाने के वास्ते आए थे यहाँ, बच्चे देने लेने की है बोल के, तो उन्हों भी मिस्त्री काम करते थे, वो बच्चे भी मारे वाले। इन्हों भी क्या है मिस्त्री, वो क्या मारे वालों का नाम नवीन, एक जने का नसरुद्दीन, एक नसरुद्दीन नवीन, दो जने है। और क्या है वो क्या काम के वजह से नहीं मिलने से कि क्या है कि उन्हों क्या है शाम को मीटिंग करके क्या है एक जना सिर पर मारा और क्या है एक जना गला काटा खाना खाने टाइम। वो हमारे से वाले भी मिस्त्री काम करते थे। हाँ मिस्त्री काम करते थे, हाँ इन्हों भी मिस्त्री काम करते थे, नहीं नहीं अलग अलग करते थे, अलग अलग करते थे। उनका क्या है इसको काम लगता है बोल के, मेरे को नहीं लगता इसको बोल के दुश्मनी से करे कि क्या करेगी, हमारे तो नहीं मालूम हो। तो क्या है अब छोटे छोटे बच्चे है, वो इंसाफ गवर्नमेंट से इंसाफ मिले दे, और क्या है देने लेने के बच्चे हैं वो। हाँ बच्चा बोला फ़ोन पे, हाँ आखें के उसको बच्चे भी मारे, तू तुझे खत्म कर दू बोल के बच्चे भी मारे। हाँ तो कुछ वीडियो वीडियो है क्या? हाँ वीडियो पुलिस वाले के पास है सर, हमारे को नहीं दिए। ये कहाँ का है, कौन से गांव का है? ये समीरपेट, समीरपेट का है सर। वीडियो तो हमारे पास नहीं है, हमें क्या सुबह फजर में आए हमें गाँव से, क्या है बच्चा फ़ोन करने से रोते रोते करने से क्या है फजर में गाड़ी लेके आए सर। चिंचल तालुका साहब, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का। हमें क्या है पल्लिंग के लिए यहाँ ये हैदराबाद को आए साहब, ये बच्चा हमारा भाई दो जने आए, इसके हाईस्कूल छुट्टी आते बच्चे को भी लाया, शादी आए बच्चे को, बच्चे की औरत बेटी की बोल को, औरत बेटी की दूसरे के गाँव को दिन साहब कर को देना बोल को रजक बेटे को वास्ते करे तो गए। तो क्या करें वो दोनों बच्चे आको पी का को एक मारा कर तुम बोल को सब फिर खेल रहे थे कहते साहब, फिर खेल रहे तो ये बच्चा आया कहते आको बोले कहते अब्बा मार तुम बोले, अरे इन खाने बैठे थे कहते हमारा भाई खाने बैठे तो नहीं अब तुम्हें खाने मैं किसे क्या करूं मेरे को कहीं मारते हैं भाई, मेरे को कौन मारते हैं जाबो को ऐसे लापरवाह बैठे साहब बैठना कि एक आको एक लकड़े नवीन बोलता सुनो आको एक लकड़ी लेको सिर पर मारे साहब और नसीर बोलना कि आको गर्दन काटे साहब एकदम। आपको कैसा मालूम है हमारे बोलते हैं? हाँ बच्चा बोला साहब, बच्चा देखा, हाँ देखा साहब, उसे भी मारे साहब, तो मुझको मारे साहब, मुझको मारे साहब, कहाँ मारे? पीठ को मारे साहब, पीठ को मारे। हाँ उसके बाद क्या बोले जाके? जाके बोले फिर तेरे पापा को नहीं छोड़ते मारते, फिर वो बोल के जाके मार के। क्या नाम है? नसरुद्दीन और नवीन।
उन लोग मिस्त्री के सर के सब पापा मिस्त्री है मैं देखा साहब सीसीटीवी में भी है साहब मैं देखी साहब आगे से हाँ मैं यहाँ से देखी सब बोले नहीं बुला रहा तो सब सब लोग को बुलाया नहीं आए सब लास्ट आए लास्ट आए सब मर गए तेलंगाना देश से हमारे गवर्नमेंट से हमारे कल्पना ना सब औरत बेटा हैं दो औरत बेटा शादी का है बच्चे छोटे हैं सब वालिदा भी गुजर गए अब माँ भी दो जने गुजर गए सब हमारा क्या भी नहीं गवर्नमेंट से हेल्प होना हमारा तेलुगु देश हमसे हाँ बच्चों के लिए पाल पलने परवरिश के लिए हेल्प होना और उनको करे सो सजा हमारे काटना हूँ बच्चों के नौबत हाँ सजा काटना सब